हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द प्लेस ऑफ आर्ट इन एडुकेशन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका आप बहुत दिनों से ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये हम लोग का पहला पार्ट होने वाला है, और जिसमें हम लोग हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हाफ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप लास्ट तक एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमोंग दोज थिंग्स डैट मैन हैज़ डिवाइस टू एक्वायर नॉलेज, वो सभी चीज़ें जो मनुष्य ने तैयार किए अपनी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, और सीक इनर डिलाइट विद, और अपने अंदर की खुशी को ढूंढने के लिए। दोस्तों, मैन का मतलब यहाँ पे कोई अकेला आदमी के बारे में नहीं, ये पूरे मानव जाति मनुष्य के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। लैंग्वेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, और यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है भाषा का, क्योंकि दोस्तों भाषा से हम लोग किसी के भी एक्सप्रेशन, किसी के भी फीलिंग्स को हम लोग समझ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि वो अच्छी तरीके से बात करते हैं, उसका लैंग्वेज अच्छा है बोलने का, यानी वो अच्छा है, उसकी फीलिंग्स को हम समझ पा रहे हैं, वो कैसा है वो समझने में हम लोग को भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इट इज़ अ व्हीकल फॉर लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसफी, और भाषा लिटरेचर, साइंस और फिलोसफी का एक गाड़ी का काम करता है। मीन्स मान लीजिए दोस्तों कि भाषा जो है वो चक्का है गाड़ी का, और लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी गाड़ी है, तो बिना चक्का का गाड़ी चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी में लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा व्हीकल का काम करता है। लिटरेचर सर्टनली प्रोवाइड्स मैन इनर डिलाइट, लिटरेचर जो है वो अंदर की खुशी देता है मनुष्य को अपनी स्टोरी के थ्रू। अगर हम लोग सैड स्टोरी पढ़ेंगे तो सैड होंगे, हैप्पीनेस वाली स्टोरी पढ़ेंगे हैप्पीनेस होंगे, एडवेंचर की स्टोरीज आती है, अक्रेड, मतलब बहुत तरह की स्टोरीज़ है, फेरी टेल्स है ना दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं और महसूस करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, बट इट्स फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन इज़ लिमिटेड। पर यहाँ पे लिटरेचर में क्या होता है, उसका जो फील्ड है यानी वो कुछ ही चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता है लिटरेचर के थ्रू। या तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी, गम, फिर उत्साह, एंग्री, मतलब वो लिमिटेड है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए आगे पढ़ा जाएगा क्यों वो लिमिटेड है, क्योंकि आर्ट, म्यूज़िक, डांस एंड द लाइक मेक अप फॉर दिस। और क्योंकि देखिए दोस्तों, आर्ट, म्यूज़िक, डांस वो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना, तो उसको हम लोग फील कर पाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक को सुनने से हम लोग फील कर पाते हैं। लिटरेचर को पढ़ते हैं वो लिमिटेड है, पर म्यूज़िक बहुत तरह की होती है, आप देखो वर्ड्स उसमें कितने सारे यूज़ है, जैसे लिटरेचर में भी, आर्ट में कितनी सारे तरह का आर्ट, आप देख लो एनिमेटेड मूवीज़ बनती है वो भी एक आर्ट है, ड्राइंग्स है वो भी आर्ट है। देखो देखो दोनों अलग अलग चीज़ है, पर आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कला, वो चाहे कोई भी फील्ड में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, फिर कितना तरह का म्यूज़िक है वो सारा म्यूज़िक हुआ, डांस हुआ, डांस का भी बहुत सारा फॉर्म्स है ना। तो ये सब चीज़ों से अपने फॉर्म्स के थ्रू और अपने स्टाइल के थ्रू जो है ये हम लोग बहुत चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हैं। दे हैव देयर ओन स्पेशलिटीज ऑफ एक्सप्रेशन एज लिटरेचर हैज़ इट्स, और जैसे लिटरेचर का एक अपना अंदाज है कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने में, कोई भी चीज़ को दिखाने में, उसी तरीका से आर्ट, म्यूज़िक और डांस का भी एक अपना अंदाज है अपनी चीज़ों को समझाना लोगों के बीच और दिखाना, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि उसने अपने डांस से सब कुछ बता दिया जो वो बताना चाहता था। बहुत बार ऐसा डांस एक्ट होता है म्यूज़िक के थ्रू, जैसे फिल्मों में भी आप देखो म्यूज़िक भी बनता है उस समय का सिचुएशन से, है ना दोस्तों। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों का अंदाज अपना अपना अलग होता है दिखाने का, एक्सप्रेस करने का। मैन एप्रीहेंड्स द वर्ल्ड विथ हिज माइंड एंड सेंस, और मनुष्य जो है वो पूरे वर्ल्ड को कैसे समझता है, अपने माइंड से और सेंस से। कोई भी छूता है तो उसकी जो ज्ञान इंद्रिया वो काम करती है, समझता है माइंड में, और फिर वो रिप्लाई देता है या फिर उस तरह से एक्ट करता है। तो मनुष्य को वर्ल्ड में कोई भी चीज़ समझने के लिए उसके माइंड और सेंस काम करते हैं। डिराइव्स एसिएटिक्स डिलाइट्स एंड कम्युनिकेट दिस टू अदर्स, और वो क्या करता है, वो चीज़ समझता है और उसे बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य खुशी, अगर मनुष्य क्या करता है अपनी माइंड और सेंस को इस्तेमाल कर सौंदर्य खुशी, यानी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुलनेस है, जो अच्छी, उसे समझने की कोशिश करता है, और वो देखने के बाद दूसरों के साथ वो कम्युनिकेट करता है, बात करता है, बोलता है, समझता है, ठीक है। एडुकेशन इन आर्ट्स हाइटेंस मैंस नॉलेज एंड एसिएटिक एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्स हिम इन वेरियस मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन।
अब देखिए पढ़ाई में अगर आर्ट्स होता है वो मैन का जो है इनर डिलाइट को बहुत ही ज़्यादा रेज कर देता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान अगर सिर्फ पढ़ता रहेगा तो उसका ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा, ऐसे पढ़ना अच्छा बात है पर दोस्तों आपने सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते मत रहो, कुछ खेलो, कुछ काम करो, उससे दिमाग जो है हम लोग का फ्री रहेगा। तो वही बोला जा रहा है कि अगर हम लोग एडुकेशन के साथ कोई आर्ट, कोई कला भी अगर सीखते हैं दोस्तों, वो हम लोग को तो नॉलेज तो बढ़ा रही प्लस हम लोग को दुनिया को अलग तरीक़ा से देखने का नज़रिया भी देता है और हम लोग को बहुत तरह से फीलिंग को अपना एक्सप्रेस करने में मदद करता है। This education in art, music and dance cannot be achieved through the medium of reading and writing. और education में art हो, music और dance, वो भी हम लोग कभी भी लिख के या पढ़ के नहीं कर सकते, वो हम लोग को practically करना होगा, experience करना होगा, सीखना होगा, तभी हम लोग आर्ट को सीख सकते हैं, म्यूज़िक को सीख सकते हैं और डांस को सीख सकते हैं। पढ़ने और लिखना, लिखना और पढ़ना से हम लोग कभी डांस, म्यूज़िक और आर्ट्स को नहीं सीख सकते हैं। लाइक द ईयर कैनॉट डू व्हाट द आइज इज़ मीन टू डू, जैसे कि कान वो काम कभी नहीं कर सकता जो आँख कर सकता है। आँख देखता है पर कान क्या देख सकता है, नहीं देख सकता। वही उसका उल्टा, आँख जो देखता है, कान सुनता है, तो क्या आँख सुन सकता है, नहीं सुन सकता। तो मतलब हर चीज़ का एक अपना अपना जगह होता है और हमें जो आर्ट है उसे पढ़ के और लिख के नहीं सीखा जा सकता है दोस्तों, उसे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और तो और उसे प्रैक्टिकली करना पड़ता है और इससे हम लोग की जो बहुत ही ज़्यादा हम लोग की जो नॉलेज है वो इनक्रीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एडुकेशन इज टोटल डेवलपमेंट, अगर हमारे एडुकेशन का पूरा मोटिव डेवलपमेंट है, प्रगति है, आर्ट ट्रेनिंग शुड हैव सेम स्टेटस एंड इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग एंड राइटिंग, और आर्ट का भी एक अपना पहचान है और उसका महत्व है जैसे रीडिंग और राइटिंग का है। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाता है और अगर उसने अपने लाइफ में एडुकेशन किया होगा और आर्ट यानी जो सिंगिंग है वो भी एक आर्ट है, अगर उसका ट्रेनिंग या प्रैक्टिस कुछ नहीं किया हो, क्या वो आज इतने अच्छे सिंगर बन पाते, नहीं बन पाते। तो यहाँ पे यही बताना चाहे कि आर्ट जो है वो एडुकेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। बट द प्रोविजन दैट आवर यूनिवर्सिटीज़ मेक फॉर दिस इज सोरली इनएडुकेट एट प्रेजेंट, पर आज बहुत कष्टदायी बात है दोस्तों कि अपर्याप्त मात्रा में आर्ट को वैल्यू दिया जाता है और एडुकेशन को उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमें ऐसा बना दिया है कि हम लोग आर्ट से ज़्यादा एडुकेशन को वैल्यू देते हैं। दोस्तों एडुकेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर आर्ट का भी वैल्यू है। बिना एडुकेशन के, सॉरी, बिना आर्ट के हम लोग एडुकेशन कर भी लेते हैं ना तो दोस्तों हम लोग का जीवन अधूरा है, क्योंकि हम लोग की कला जो जीवन में कभी ना कभी काम आ ही जाती है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी स्किल डेवलपमेंट बहुत जगह स्टार्ट किया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें क्या दे रहे, स्किल दे रहे दोस्तों, यानी एक आर्ट है। स्किल भी क्या एक आर्ट है, वो किसी को कुछ सिखा रहे अलग चीज़ के बारे में, एडुकेशन से अलग, जो कि उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो वही जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं कर पाती थी, अब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सबको ये दे रही है स्किल का नॉलेज। इट वुड सीम दैट दिस इज ड्यू टू द जनरल नोशन दैट आर्ट इज द एक्सक्लूसिवली प्रिजर्व ऑफ ए फ्यू प्रोफेशनल्स एंड कॉमन पीपल हैव नथिंग टू डू इट विथ। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोला जा रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं वो समझते हैं कि जो आर्ट है वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। मन में लोगों का धारणा ऐसा आ गया कि साधारण लोगों के लिए आर्ट का कोई महत्व नहीं है, जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए आर्ट का वैल्यू है क्योंकि वो लोग आर्ट के थ्रू कुछ कर पा रहे हैं, बट हम लोग कॉमन लोग हैं वो आर्ट को सीख के कुछ कर नहीं सकते। पर दोस्तों मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है, उन्होंने भी पहले कॉमन मैन ही होंगे, वो आर्ट का प्रैक्टिस किए होंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तभी ना वो आज प्रोफेशनल है। पर लोगों के मन में आज धारणा है कि आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आर्ट पे उतना कोई दिमाग नहीं लगाते, अब सिर्फ एडुकेशन पे दिमाग लगाते हैं नौकरी के लिए। व्हेन द एडुकेटेड डू नॉट फील एनी सेंस ऑफ सेम एट नॉट अंडरस्टैंडिंग आर्ट, जब जो एडुकेटेड लोग हैं वही लोग नहीं समझ पा रहे कि आर्ट का महत्व कितना है, व्हाट क्वेश्चन कैन बी ऑफ द कॉमनर्स, तो हम लोग क्या क्वेश्चन कर सकते हैं आम आदमी से आर्ट्स के बारे में।
दे कैनॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ पेंटिंग एंड अ फोटोग्राफ. वो जो जानते ही नहीं आर्ट के बारे में, वो पेंटिंग और फोटोग्राफी के बारे में क्या हम लोग का अंतर बता सकते हैं. दे गेप इन अमेजमेंट एट जापानीज डॉल्स एज इफ दे आर ग्रेट स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट. और यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, जो जापान में एक फेस्टिवल में वहाँ पे डॉल्स बनाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और एक आर्ट का नमूना होता है दोस्तों. वो जो आइडल है वो एक आर्ट का नमूना ही तो है, क्योंकि आर्ट में बहुत कुछ आती है और लोग उसे देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा विस्मय खूबसूरत है. लोग ये तो देखते हैं उस मूर्ति को, पर उसको खूबसूरती को, जो सही खूबसूरती उसे समझ नहीं पाते वो क्या कि आर्ट का देखिए यहाँ कितना वैल्यू है. आर्ट है तभी वो आइडल बना और वो उतनी खूबसूरत आइडल को देख पा रहे हैं, है ना. यहाँ पे जो है ये जो राइटर है नंदलाल बोस, वो एग्जांपल देना चाहे जापानीज डॉल से कि देखो आर्ट का कितना वैल्यू है, तुम देख तो रहे पर समझ नहीं पा रहे आर्ट का वैल्यू को. गारिस जर्मन रैपर्स इन रेड ब्लू एंड पर्पल डू नॉट स्ट्रेन देयर आईज बट गिव देम प्लेजर. दोस्तों गारिस का मतलब होता है भरकीला, ठीक है. भरकीला रेड ब्लू और पर्पल कलर, यानी कि लाल नीला और बैगनी कलर का जो रैपिंग पेपर होता है वो उन लोगों के आँखों को बिल्कुल भी तनाव नहीं देता है. जबकि भरकीला कलर है तो जाहिर सा बात है वो आँखों में लगेगा और उसे स्ट्रेस होगा आँखों में, पर उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उन लोगों को आर्ट के बारे में, कला के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और उन लोगों के आँखों में उन लोगों को कोई भी तनाव नहीं मिलता है, बल्कि उन लोगों को इस रैपिंग पेपर को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है. दोस्तों जिसको ब्यूटी का सेंस होगा उसी को उस ब्यूटी के बारे में पता चलेगा, पर जिसको उस ब्यूटी के बारे में कोई सेंस ही नहीं है उसको उस ब्यूटी के बारे में क्या पता चलेगा. बस वही इस लाइन में दिखाया गया है. ऑन ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटी दे यूज टीन कंटेनर्स इन प्लेस ऑफ एलिगेंट अर्थन पिचर्स दे कैन ईजली ले देयर हैंड्स ऑन. ऑन ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों जो हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है टिन कंटेनर यानी टिन का पात्र हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोग को अर्थन पिचर यानी मिट्टी का घड़ा का इस्तेमाल करना चाहिए. पर यहाँ भी वही बात है दोस्तों, इन लोगों को पता ही नहीं है लोगों को कि जो मिट्टी का घड़ा है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, उसका बनना मिट्टी से किस तरीके से वो शेप देते हैं, फिर उसे आग में पकाते हैं, जो उसका कलर आता है वो कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है. पर उसकी जगह लोग टीन का जो है पात्र यानी टीन का कंटेनर इस्तेमाल करते हैं अपने सामान को रखने के लिए, जैसे कि किचन में हो गया, फिर आप कोई ग्रोसरी शॉप में जाइए तो वहाँ देखिएगा बहुत सारे टीन के डिब्बे में रखे रहते हैं. पर दोस्तों अब तो वो जमाना नहीं रहा कि मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल किया जाए, पर बोला जा रहा है कि मिट्टी का घड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है उसकी खूबसूरती के बारे में कोई नहीं जानता और उसका इस्तेमाल नहीं करता. द एडुकेटेड पब्लिक ऑफ दिस कंट्री, वो जो पढ़े लिखे जो लोग हैं इस कंट्री में, एंड इट्स यूनिवर्सिटीज़ आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और जो यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे लोग, वही इन सब चीज़ों का कारण है. क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ उसमें बताया ही नहीं गया ब्यूटी ऑफ सेंस के बारे में बताया ही नहीं गया, तो लोग कैसे जानेंगे ब्यूटी क्या है. अगर दोस्तों आपको कुछ के बारे में बताया जाएगा, कला के बारे में, टैलेंट के बारे में बताया जाएगा, तभी आप उस कला और टैलेंट को पहचान पाएंगे. पर अगर आपको बताया ही नहीं जाएगा तो आप पहचानोगे कैसे, तो आप फ़र्क करना समझ ही नहीं पाओगे टैलेंट में और कला में क्या फ़र्क है. जैसे कि मान लीजिए कोई पेंटिंग है, आपको पता ही नहीं इस पेंटिंग दो तरह का पेंटिंग है, आपको पता ही नहीं पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, आपको उस पेंटिंग का कुछ पता नहीं, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि उस पेंटिंग में क्या कहना चाहे पेंटिंग के थ्रू. पर अगर आपको उस खोज का नॉलेज होगा तो आप बता पाओगे कि वो पेंटर क्या दिखाना चाहता है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंटिंग हैं दोस्तों जो हम लोगों को समझ में नहीं है, पर वो जब उसमें ऑक्शन लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बहुत लाखों लाखों करोड़ों करोड़ में एक पेंटिंग बिकती है, ठीक है दोस्तों. ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना. बहुत चीज़ आप देखे होंगे टीवी वगैरह में कि बोली लगती है, पेंटिंग सबकी बहुत दाम रहती है. हम लोग को समझ में नहीं आ रहा पेंटिंग में क्या है क्योंकि हम लोग को उसके बारे में पता नहीं, पर दाम में बहुत ज़्यादा बिकती है क्योंकि जिसको पता है वो जानता है उस पेंटिंग की कीमत, है ना. अ कर्जरी लुक एट आवर एडुकेशनल सीन विल रिवील डैट वाइल दिस कंट्री कल्चरल लाइफ हैज़ फैंड आउट. और देखिए दोस्तों यहाँ पे कैजुअल लुक, ठीक है, कर्जरी का मतलब कैजुअल हो गया,
और बोला जा रहा है कि जो एडुकेशनल जो हम लोग अगर एडुकेशन सिस्टम को अगर देखें दोस्तों, या फिर एडुकेशन सीन जो पढ़ते लिखते हैं उनके बारे में, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा देश का जो कल्चर लाइफ है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मिट रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम लोगों ने अपनी जो इंडियन कल्चर है उसे धीरे धीरे लॉस्ट कर रहे हैं, उसे भूल रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, है ना। तो हम अपनी इंडियन कल्चर को अपने अंदर से क्या करें, बाहर कर रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर को अंदर करें। फिर भी हम में कुछ है कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का मिक्स हम लोग यूज़ करते हैं आज भी। ये चीज़ अच्छी है कि हम लोग दोनों कल्चर के बारे में जान पा रहे हैं, पर दोस्तों ये बहुत ख़राब है कि हम लोग अपने कल्चर, जो हम लोग का देश का कल्चर है, उसको भूल रहे हैं, है ना। जैसे कि आप बहुत सारी मूवी देखे होंगे, जैसे कि कुंफू, आज बोला जाता है कि वो चाइना में कुंफू का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर दोस्तों वो सब गया है सब यहाँ से, बौद्ध धर्म जो थे वही लोग चाइना में जाके ये सब ट्रेनिंग दिए इंडिया से, पर इंडिया में देखिए वो चीज़ गुप्त हो गया, इंडिया में लुप्त हो गया, सॉरी गुप्त मैंने कहा, लुप्त हो गया, और चाइना में उसका अभी भी प्रचार प्रसार है, है ना। चलिए हम नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। इट्स एस्थेटिक कंसेंसिबिलिटी हैव ग्रोन डिस्टिंग्विशली वॉर्स, और बोला जा रहा है कि सौंदर्य को नहीं पहचानते हुए वो जो उसका सेंस हम लोग नहीं लगा पा रहे, वो सौंदर्य कितना है, जिसके कारण क्या आ रहा है, वो सिर्फ दुखद की बात है कि वो सब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, गायब हो रहा है। द ओनली रिड्रेस फॉर दिस लाइज इन स्प्रेडिंग आर्ट एडुकेशन अमॉन्ग द सो कॉल्ड एडुकेटेड पीपल एज दे सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर द पीपल एट लार्ज। दोस्तों यहाँ पीपल एट लार्ज में मतलब कि अब कॉमन पीपल के बारे में बोला, ज़्यादा संख्या के लोग यानी कॉमन पीपल, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो नंदलाल बोस है वो बोल रहे हैं कि अगर जो एडुकेटेड पीपल है वो अगर आर्ट का वैल्यू समझ जाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, तो उनका देखा देखी जो कॉमन पीपल है वो भी इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, आर्ट को पहचानेंगे, और क्या होगा, उससे लोगों में कला बढ़ेगा, स्किल आएगा, है ना। क्योंकि बोला गया क्या इस चैप्टर में कि एडुकेशन के साथ आर्ट का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप देख सकते हो दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्किल निकाले हैं, जैसे कि मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया है, फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो कि लोगों को पढ़ाई के साथ स्किल भी दे रहा है, है ना। तो चलिए दोस्तों अब इस लाइन, इस पैराग्राफ को हमने समझ लिया, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। The absence of sense of beauty not only cheats man of aesthetic experience, सौंदर्य का परख नहीं होने से मनुष्य का सिर्फ aesthetic यानी सौंदर्य अनुभव ही के साथ ही चीट नहीं होता है, बल्कि but it also harm his physical and mental well-being, परंतु वो मनुष्य का शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ शरीर को खराब करता है, मानसिक अवस्था को भी खराब करता है, शारीरिक अवस्था को भी खराब करता है। दोज हु लैक दिस सेंस एंड लिटल रविश इन देयर हाउस एंड कोर्ट यार्ड्स, और जिन लोगों के पास सुंदरता का सेंस नहीं है, जिसको परख नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, अपने घर में कूड़ा कचरा मलबा बिखेर देते हैं, अपने कोर्ट यार्ड में मलबा कूड़ा मतलब गंदगी फैलाते हैं। कीप देम सेल्फ एंड देयर सराउंडिंग फिल्थी, जो अपने आस पास और जो अपने घर में गंदगी फैलाते हैं, स्प्लिट्स बेटल जूस ऑन दीवाल, जो तंबाकू गुटखा पान खा के उसका थूक दीवार में फेंक देते हैं, स्ट्रीट बाजार में रोड में फेंक देते हैं, इवन रेलवे कोचेस और तो और ट्रेन के बोगी में भी क्या करते हैं, खाते हैं तंबाकू पान खाते हैं और उसका थूक क्या करते हैं, रेलवे के कोचेस यानी बोगी के कोना में फेंक देते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों कि लोग खाते हैं और फेंक देते हैं। हार्म देयर ओन हेल्थ एंड डेट ऑफ अदर्स, वो खाते उनका तो वो नुकसान करता ही है, बल्कि इन सब के कारण उनका दूसरों उनके कारण दूसरों का भी नुकसान होता है। दे कंटामाइनेट सोसाइटी विद डिजीजेस ऑन वन हैंड, और उन लोगों के कारण क्या होता है, जो सोसाइटी है वो भी गंदा होता है और एक तरह से वो डिजीज़ को जन्म देता है, क्योंकि वो गुटखा तंबाकू यूज़ किए खा लिए और उसको फेंक दिए थूक कोई कोना में, वहाँ पर चम्स पैदा हुआ जो कि सोसाइटी में गंदगी फैल रहा है, सोसाइटी को बीमार कर रहा है, वहाँ के लोगों का हेल्थ के साथ खराब हो रहा है, है ना। एंड देयर डिसिपल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑन द अदर्स, और तो और जैसे कोई बड़ा आदमी खा रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग खा रहा है फेंक रहा है, तो उसको देखता है उससे जो छोटे हैं, और जो छोटे हैं उनको फॉलो करते हैं अपने से बड़ों को, यानी मान लीजिए कोई
कोई फादर और यहाँ पे चाइल्ड है उसका, तो वो अपने जो चाइल्ड है वो अपने फादर को फॉलो करता है। अगर उसके फादर ही अगर मींस पुड़िया खाएंगे और इधर उधर फेंक देंगे तो वो भी देखेगा, तो वो भी उसे सीखेगा। तो यही बोला जा रहा है कि वो खुद तो समाज को गंदा कर रहे हैं, रोड को गंदा कर रहे हैं, और जो अपने से जूनियर, उनसे जो छोटा है, जो उनको फॉलो करता है, उनका डिसिपल्स है, उसका लाइफ भी वहाँ पे ख़राब हो रहा है एक तरीक़ा से, क्योंकि वो भी इन गंदी आदतों को देख रहा है और सीख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम अमंगस्ट अस हु थिंक दैट आर्ट इज़ द डोमेन फॉर द रिच एंड द प्लेजर लविंग। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि आर्ट, कला अमीरों का पहचान है, जिनको ऐसो आराम की ज़िंदगी पसंद होती है, एंड वांट टू बैनिश इट विद कंटेम्प्ट फ्रॉम देयर डेली लाइव्स। और जो कॉमन पीपल है, आम आदमी है, वो आर्ट से अपने आप को पीछा छोड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि आर्ट में कुछ नहीं रखा हुआ है, और आर्ट की निंदा करते हैं और अपनी डेली की ज़िंदगी, रोज़ाना ज़िंदगी से आर्ट को बाहर कर देते हैं। दे फॉरगेट द वैटलिटी ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट लाइज इन इट्स सेंस ऑफ ब्यूटी एंड ऑर्डर, नॉट इट्स मनी वैल्यू। लोग दोस्तों भूल ही गए हैं कि हर काम का जो प्राण है वो आर्ट है, कला है, क्योंकि वो लोग अपना जो सेंस ऑफ ब्यूटी है उसके संभाल नहीं करते, उनको इन लोगों बारे में पता नहीं है। अगर वो जानते कि हर काम एक कला है, तो वो कोई भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को सरिया के रखते, तो वो भी एक कला है, वो देखने में खूबसूरत लगता है, पर लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। ऑन Not in its money value, और वो समझते हैं कि ये सब पैसे से होता है, कला जो वो पैसे से आता है, जो अमीर है वो आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गरीब है वो नहीं सीख सकते आर्ट, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान को ब्यूटी के बारे में पता है कि क्या होता है, तो वो उतना ही में सरिया के रखेगा, अच्छा से रखेगा कोई भी चीज़ को, जो कि देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इस लाइन में बोला गया कि जो काम है उसका प्राण आर्ट होता है, कला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अ पुअर संथाल स्वाइप्स एंड मॉप्स इज हर्ड। एक गरीब संथाल वो अपनी झोपड़ी को झाड़ता है, पोछता है और अच्छे से रखता है। स्टैक्स इन ऑर्डर हिज अर्थन पॉट्स एंड टैटल्ड क्विल्ट्स। और जो उसके पास उसका जो मिट्टी का घड़ा रहता है, उसको अच्छी तरीके से वो सरिया कर एक दूसरे के ऊपर रखता है, जिससे उस देखने में भी वो घड़ा जो सीरियल वाइज रखा होता है वो देखने में भी सुंदर लगता है, और तो और बहुत जगह भी उसके जो छोटे से घर में उसमें बना देता है, क्योंकि वो एक के ऊपर रहने से जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं घेरता है। वैसे उन लोगों का क्विल्ट्स जो रहता है, रजाई रहता है, तोसर रहता है, वो फटा हुआ ही रहता है, पर वो लोग उसको अच्छी तरीके से रखते हैं, जिससे वो देखने में खूबसूरत लगता है, क्योंकि जो उनका फटा हुआ तौसक रजाई रहता है, उसे वो अच्छा से सी के उसे खूबसूरत तरीक़ा से सीते हैं और अच्छी तरीक़ा से रखते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए गरीब के बारे में बोला गया कि वो किस तरीक़ा से कला को पहचानता और उसका इस्तेमाल करता। अब दूसरी जगह एक एन एडुकेटेड कॉलेज स्टूडेंट कीप हिज क्लोथ एंड थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मेस इन हिज सीमिंगली पैलेशियल होटल रूम्स और लॉजिंग। अब यहाँ पे दूसरी तरफ एक कॉलेज का स्टूडेंट है जिसको कला के बारे में कुछ नहीं पता है, और वो जो आलिशान होटल में रहता है उसमें अपने कपड़ों को, अपने सामान को जैसे तैसे बिखेर के रखता है, अव्यवस्थित तरीक़ा से रखता है, सरिया के नहीं रखता है। For the poor संताल the sense of beauty is an essential part of his life। और जो गरीब संताल लोग हैं उनके लिए उनका बहुत ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है sense of beauty, यानी कि खूबसूरती को पहचानने का, खूबसूरती के बारे में जानने का। So वाइटल, और उनके लिए यह सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो वो गरीब है और वो कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे, इसीलिए उनके लिए यह सब जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी जीवनचर्या को गुजार सके। फॉर द रिच मैनसन्स इट इज़ सुपरफिशियल सो लाइफलेस। और अमीर का लड़का है, उसको आर्ट के बारे में पहचान नहीं है, आर्ट के बारे में कुछ जानता नहीं है, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को लापरवाह की तरह से जीता है, और उसको आर्ट के बारे में पहचान ना होने के कारण वो किसी भी सामान को या अपनी कोई भी वस्तु को ढंग से नहीं रख पाता है। आई ऑफन सी आवर एडुकेटेड मैन एडवर्टाइज योर डिवोशन टू आर्ट बाई शोइंग फ्रेम्ड पिनअप साइड बाई साइड विथ गुड पेंटिंग्स।
यहाँ पे नंदलाल बोस बोलते हैं कि मैंने देखा है जो हमारे पढ़े लिखे लोग एडुकेटेड पर्सन हैं वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, यानी कि दिखाते हैं लोगों को अपने घर के दीवारों में सुंदर सुंदर पेंटिंग लगा के कि वो कला के प्रति कितना भक्ति भाव रखते हैं। देखिए दोस्तों, वो क्या कि दीवार में टांग के रखे ताकि सब कुछ देखें, तो यानी एक तरह से एडवर्टाइज होता है कि वो आर्ट के प्रति अपना भक्ति भाव दिखाते हैं। फिर बोलते हैं नंदलाल बोस, आई सी इन द होस्टल रूम शर्ट्स हैंगिंग फ्रॉम पिक्चर्स फ्रेम्स। और बोलते हैं नंदलाल बोस इस लाइन में कि मैंने बहुत बार देखा है कि जो पिक्चर्स फ्रेम जो कील पे कांटे पे दीवार से ठोका हुआ है उसी कांटे पे वे लोग क्या करते हैं, अपना कपड़ा अपना शर्ट्स टांग देते हैं, जिसके कारण वो जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है वो उसे कवर हो जाती है, झप जाती है। टी कप्स एंड कॉम्स लिटरिंग द स्टडी टेबल। और वो लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी टेबल जिसमें वो पढ़ते हैं उसी में अपना चाय का कप होता है, अपने कंघी जिसको कॉम्स बोलते हैं वो सब क्या करते हैं, फैला के रख देते हैं, जो कि एकदम कचड़े सा लगता है, देखने में ख़राब सा लगता है अपनी स्टडी टेबल से, यानी कि उनके पास सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं है, वो सिर्फ दिखाते हैं। पेपर फ्लावर्स स्टक इनटू यूज्ड कोको टिन्स। देखिए यहाँ पे कोको टिन्स मतलब क्या, कोको पाउडर होता है जो कि मिल्क में मिला के बहुत जन पीते हैं, चॉकलेट फ्लेवर का रहता है वो, आप मार्केट में आपको टीवी में इसके बहुत बार ऐड आती होगी दोस्तों। तो क्या करते हैं वो लोग पेपर का फ्लावर बना लेते हैं और उसे वो जो कोको टिन जो ख़त्म हो जाने के बाद जो उसका टिन रहता है उसमें पेपर का फ्लावर अटका के रखते हैं, उन्हें लगता है कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जबकि वो अपने रूम को ही साफ से नहीं रख रहे, अच्छा से नहीं रख रहे स्टडी टेबल्स को, और उसको जो वो कोको टिन है उसको रिसाइकल कर रहे हैं और उसमें पेपर लगा के रख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों उस चीज़ को भी हम लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितना साफ़ सफाई से हम रूम को रखते हैं, क्योंकि ये भी एक कला है अच्छी तरीके से सब चीज़ों को सही ढंग से रखना। अब चलिए देखिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं, एंड फॉर ड्रेस। अब बोलते हैं और अगर कपड़ों को देखा जाए तो आई सी पीपल यूज़ द ओपन ब्रेस्टेड जैकेट विद द धोती। नंदलाल बोस बोलते हैं कि लोग जैकेट पहनते उसके नीचे धोती पहन लेते हैं और जो जैकेट है उसका बटन से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, नहीं लगाते हैं, और वो सोच रहे हैं उनके नज़र में वो फैशन है और वो देखने में उस कपड़ा का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाई हील शू विद द साड़ी, और साड़ी के साथ हाई शू पहन लेते हैं जिससे वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगता है और अच्छा नहीं लगता है, उनको ब्यूटी का सेंस नहीं पता है, इसीलिए वो इस तरीक़े से उनका ड्रेसिंग सेंस है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी हैर मेटरी एफ्लुएंट और नॉट। अब बोलते हैं कि जो कला है उसको सीखने के लिए कला के रुचि अगर लोग रखते हैं तो उसके लिए अमीरी गरीबी का कोई मायने नहीं रखता, लोग अमीर है या गरीब है, अगर कला की रुचि है वो सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो वो ज़रूर सीख सकते हैं जान सकते हैं। द वाइड स्प्रेड डिसप्रोपोर्शन एंड लैक ऑफ टेस्ट इज़ अ श्योर इंडिकेशन ऑफ आवर प्रॉवर्टी इन एसेस्टेटिक सेंसिबिलिटीज। अब दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा में विषमता फैल गया है लोगों के बीच और उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ ब्यूटी का कमी है, उन लोगों को सही राह नहीं पता है ब्यूटी का, सुंदरता का सही राह नहीं पता, क्योंकि उन लोगों को सुंदरता का परख नहीं है, सुंदरता की पहचान नहीं है, लोग सिर्फ ऊपरी सुंदरता देखते हैं, अच्छाई जो उनके अंदर जो असली सुंदरता जो उनके अंदर होती वो नहीं देखते, जैसे कि लोग टीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनको अर्थेन पीछे यानी मिट्टी का घर है जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि उनमें खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब की बात है, और जो वो सुंदरता है उसको पहचान नहीं पाते, जिसके कारण वो सही मायने में सुंदरता को समझ नहीं पाते, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सुंदरता है उसे ना समझ के उसे ख़राब समझ के वो जो ख़राब चीज़ें हैं जो सुंदर नहीं है उसे अपना लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं, आगे का जो हाफ हम लोग का जो बचा हुआ पैराग्राफ्स है चैप्टर जो है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने डाउट्स और क्वायरी को भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकन दबाने से हमारी जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहेगी, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।